बैक अगेन टू माई चैनल माई लवलीज। तो कैसे हो आप सब? हम लोग बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ी लाइफ जो है थोड़ी उथल पुथल सी चल रही है इन द गुड सेंस। और अभी बहुत ज़्यादा दो दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब दिन में तो हीट वेव चलती है, लू चलती है, रह ही नहीं पाइएगा आप, मतलब कि रोड पर तो आप एक सेकंड भी नहीं रह पाइएगा। तो अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया जो कि मैंने पब्लिश भी कर दिया है, और ये फिर मैं उसके बाद से ही तुरंत एक न्यू व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर दी हूँ। और ये शाम के आई थिंक 7 बज रहे होंगे, हाँ 7 बज रहे होंगे। और ये सारे कपड़े आज मैंने धोए हैं, हस्बैंड जी ने भी अपने कपड़े दे दिए थे धोने के लिए, क्योंकि हमारे घर में जो है वो पेंटिंग का काम चल रहा है तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जी तो दिन भर पेंटर वगैरह को काम समझाते रहते हैं, तो मैंने ही उनका कपड़ा वगैरह जो है वो धो दिया। तो दिन भर तो छत पर आप दे ही नहीं सकते हैं कपड़ा, मतलब रंग तो उड़ जाएगा, इतना कड़ा धूप रहता है। तो फिर छाया में मैंने दिया था, हल्का सा धूप लगा दिया, फिर मैंने छाया में दे दिया था। और फिर ये मैंने पूरा कपड़े जो अच्छे से सूख गए थे यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद इसको गोदरेज में रख दूँगी। और जिस रूम में अभी मैं हूँ ना, मतलब हमारा रूम होगा ये बेडरूम है, कल यहाँ पे पेंटिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो सारे कपड़े को जो इधर उधर फैले हुए थे उसको मैंने धो दिया, अब उसको गोदरेज में मैं रख दूँगी ताकि वो वापस से गंदे नहीं हो जाए। और गोदरेज के ऊपर गोदरेज को ना मैं कवर से ढक दूँगी। जब हमने गोदरेज परचेज़ किया था ना तो शॉपकीपर ने उसका एक कवर भी दिया था, तो वो हमारे काफ़ी अच्छा ये काम आने वाला है पेंटिंग वगैरह में, गंदे भी नहीं होंगे। ये स्टॉल सब मैंने धोया था क्योंकि मैं स्कूटी से जाती हूँ स्कूल, तो मैंने 3 स्टॉल रखा हुआ है, उसको मैं चेंज करके पहनती हूँ। धूल वगैरह देखो, मैं धूल वाला ही वापस पहनूंगी तो मैं पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं इसीलिए। और ये किचन का लुक देख सकते हैं, किचन में हमने रैक वगैरह पे पेंट करवा दिया है जो लाल लाल आपको दिख रहा है, ये ठीक से सूखा नहीं है, डेट्स वाई हमने सारे जो डब्बे हैं वो एक जगह पे अभी रख दिए। और डब्बे जो है ना वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, हमारे पास ये सब डब्बे थे तो इसी में हम लोग अभी रखे हैं। लेकिन वो जब डब्बे ऑनलाइन आ जाएंगे ना, जो सेट आता है 24 का सेट हमने ऑर्डर किया है, तो वो हम लोग अच्छे से सजा देंगे। पेंट वगैरह अभी सूखा नहीं है, पन्ना वगैरह में अभी हमने पेंट नहीं कर पाया है, वो लास्ट में होगा। रैक वगैरह में करवाया है जो कि अभी सूखा नहीं है, इसीलिए हमने उसको मतलब कि ऊपर वहाँ जो रैक पे देख सकते हैं वो सारे को वहीं पे रखा। ऊपर वाला रैक पे भी पेंट है इसलिए हमने ऊपर नहीं रखा है, और नया डब्बा आएगा तो उसमें हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके सामान रखेंगे। यहाँ पर मैं वही पे एडजस्ट कर रही हूँ, मिक्सी वगैरह को भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। बगल में आप बोर्ड देख रहे होंगे, बोर्ड हमने दिया है स्पेशली मिक्सी वगैरह के लिए या टोस्टर के लिए, या वो नहीं आता है क्या बोलते, कैटल आता है पानी गर्म करने वाला, वो सब के लिए। तो सारे बर्तन जो अभी तक हम लोग जिस रूम में बनाते थे उससे मैं ले आई हूँ धो करके, अब इसको मैं अरेंज कर रही हूँ। हस्बैंड जी शायद इस समय जो है ना सब्जी लाने गए हुए थे, हस्बैंड जी का कहना है कहना था मतलब कि इस दिन कि आज चलो फर्स्ट, मतलब ये किचन में तो मैं बहुत बार खाना बना रही हूँ लेकिन इस न्यू किचन में मैं फर्स्ट डे ही मुझे फील हो रहा था बना रही हूँ। तो हस्बैंड जी बोले कि मीठा बनाना, और जब भी बनाना तो पहले भगवान जी को, हमारे जो कुल देवता है गोसाई बापा, उनको भोग लगाना। तो मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे वो सब्जी लाने के लिए गए, मैं बोली आलू पराठा और खीर बना दूँगी, तो वो बोले नहीं आलू पराठा नहीं, वो पहले से ही रट लगाए हुए थे कि आलू दम कचौड़ी और पूड़ी। तो मैं अभी खीर बनाऊँगी, वो बोले कि मैं आऊँगा तभी गैस जलाना, पहले से गैस में जलाना। तो मैं यहाँ पे जब तक बर्तन वगैरह अरेंज कर दे रही हूँ, ये रात का आई थिंक 8:30 का क्लिप होगा। तो हस्बैंड जी जो है अभी मार्केट गए हुए हैं। जय जगन्नाथ। दूध चाह तो पहले हाँ, तो मीठा बनेगा ना खीर। हस्बैंड जी का कहना है कि नए किचन से पहले मीठा बना। वैसे तो इस किचन नहीं, वो वाले में उसमें थोड़ा डाल दोनों गरमा दो ना। तो हस्बैंड जी का कहना है कि नया किचन, मतलब इसमें तो मैंने बहुत कुछ बनाया है लेकिन इस किचन में मेरा नया किचन, इसको मैं आधी से घोषित की हूँ। तो कुछ मीठा बनाएंगे आज हस्बैंड जी की फरमाइश पर, खीर बनेगा आज। खीर और कचौड़ी, आलू पराठा नहीं होता। नहीं आज कचौड़ी बनेगा, मंगरे लाए हैं। लेट हो जाएगा ना, लेकिन लेट खाएंगे। और सब्जी ग्रेवी वाला नहीं बनेगा हमसे? हम बनाएंगे। ओके तो चलिए ठीक है, डिनर की तैयारी करते हैं अब।
हाँ जी, आज फर्स्ट डे है इस न्यू किचन में, तो फर्स्ट डे इन न्यू किचन से आपको एक रेसिपी जरूर जाएगी। मैं चाहती थी कि न्यू किचन से एक रेसिपी जरूर जाए, तो मैं आज बना रही हूँ अकॉर्डिंग टू माय हस्बैंड खीर। जी हाँ, आपने सही सुना, खीर में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध को डाल दिया है एक भगोने में, जो कह सकते हैं आप, ये गर्म हो चुकी है एंड इसमें जैसे मलाई है, तो खीर जो है वो थोड़ी क्या कहते हैं मलाईदार दूध में ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो ये चावल है, छोटी वाली चावल जो होती है, इसको मैंने 4-5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। देन जब दूध जो है वो गर्म हो जाए, तो मैं इसे जो है चावल को कढ़ाई बोलती हूँ मैं, इस भगोने में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और खीर का जो एक जो मेन चीज़ होता है जिसके चलते खीर अच्छी बनती है, वो ये होती है कि इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते रहिए, ताकि खीर जो है वो सटे नहीं बर्तन के बॉटम में, जो है वो सटे नहीं। और जब ये दूध ठीक हो जाए, जब चावल लगे कि पक गई है, तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। देन उसमें शुगर डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, जैसे आपको पसंद है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं डाले, इलायची में डालना भूल गई, लेकिन टेस्ट वाज रियली रियली यम। इसका टेस्ट जो था वो बहुत ही अच्छा था। मैं पूछी नहीं थी कैसा है, लेकिन हस्बैंड जी ने खुद अपने तरफ से बताया था कि बहुत ही अच्छा बना है। तो आलू दम जो है वो हस्बैंड जी बनाने वाले हैं, तो मैं क्या की पहले आलू को, मैंने कुछ आलू लिया है, ज़्यादा मैंने आलू नहीं लिया है क्योंकि फ्रिज यहाँ पे है नहीं, तो सब्ज़ी जो है वो ख़राब हो जाती है, तो फ्रिज हम लोग आगे लेंगे। फिलहाल तो अभी घड़ी एडजस्ट कर रहे हैं। तो आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, ये बेसिन जो है फर्स्ट टाइम, मतलब सिंक है, इसे मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, इसके पहले यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि किचन तो हम लोगों ने आज ही शिफ्ट किया ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं आलू को अच्छे से वॉश कर ली, अब इसे कुकर में डाल दूँगी, 5-6 सीटी लगाऊँगी, देन अब बनेगा आलू दम। हस्बैंड जी जो है वो जब वेजिटेबल लेने के लिए गए थे, तो वहाँ से ये वाली ब्रेड ले आए, ये ना येलो कलर की ब्रेड है एंड इसमें टूटी फ्रूटी जो है वो लगे हुए हैं, और ये थोड़ी मीठी टाइप की लगती है, तो मुझे खाने में अच्छी लगी। इसको सिंपली आप खा सकते हैं, ना सेकना है ना कुछ है। MRP इसका 25 रुपीज़ है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। ये वाली ब्रेड मैं फर्स्ट टाइम कल खाई, आप लोगों ने कभी ये खाया है कि नहीं ज़रूर बताएगा, आप देख सकते हैं लुक। और आलू दम की मैं क्या बात बोलूँ, हस्बैंड जी ने इतना टेस्टी आलू दम बनाया था, इतना टेस्टी बनाया था। मैं किसी दिन रेसिपी जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कल तो बहुत बिजी थी नहीं कर पाई, मतलब इतना टेस्टी था कि मैं क्या ही बताऊँ। ग्रेवी वाली सब्ज़ी वो बहुत ही अच्छा बनाते हैं, और मैं जो हूँ वो भुजिया और मीठा अच्छा बनाती हूँ। तो हस्बैंड जी जो है वो नहाने चले गए थे, क्योंकि दिन भर धूल वगैरह में और इतनी गर्मी में रहने के बाद शाम में मन करता ही है कि अच्छे से फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद ही मैं डिनर वगैरह करूं। तो वो नहाने चले गए, बोले कि ठीक है तुम पूड़ियाँ बनाना जो है वो स्टार्ट करो। तो ये मैंने आटा सान दिया था, आटा सान के मैंने थोड़ा देर रहने दिया था। आटा में मैंने ऑयल दिया है एंड नमक दिया है, मंगरेला दिया है, अजवाइन दिया है एंड उसको मैंने पानी से गूंद लिया है, और ढेर सारा प्यार भी मैंने इसमें दिया था। मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, वॉइस ओवर करने में मुझे ठीक से याद रहता नहीं है। कढ़ाई में मैंने तेल ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने ज़्यादा तेल नहीं दिया कढ़ाई में, मान लीजिए दो ही आदमी है, अगर तेल बच जाएगी तो फिर वो इधर उधर चले जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, इसीलिए मैंने कम कढ़ाई में तेल दिया था। एंड बिलीव नहीं करेंगे, तेल बच ही गया था लास्ट में, तो अच्छा हुआ मैंने कम ही दिया था, वो अगले दिन फिश बना तो उसमें यूज़ हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले लोई का जो छोटा छोटा लोई लेकर के पूरी का शेप दे करके मैं उसको साइड में रख दूँगी, देन मैं उसके बाद पूड़ियाँ तलूँगी, नहीं तो एक एक करके पूड़ियाँ तलने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। पहले मैं चेक कर लेती हूँ तेल जो है वो गर्म हुई है कि नहीं, तो तेल जो है वो गर्म हो चुकी है, तो तेल हमारी परफेक्टली जो है वो गर्म हो चुकी है। तो अब मैं डालूँगी इसमें पहली पूड़ी। पहली पूड़ी मेरी हमेशा नहीं फूलती है, पोपट हो जाता है, ये वाली थोड़ी फूली थी, नहीं फूली थी, छनौटा नहीं है यहाँ पे, हमने परचेज़ अभी तक नहीं किया, अब परचेज़ कर लेंगे। बहुत चीज़ मैंने जो है वो किचन के लिए ऑर्डर करा है, वो जब मुझे रिसीव हो जाएगी ना तो मैं हॉल जो है ज़रूर शेयर करूँगी किचन हॉल नाम का। तो ये देखिए पूड़ी, देखिए हल्का सा फूली, हल्का सा नहीं फूली, इसके बाद वाली पूड़ी जो है ना वो थोड़ी ढंगी हुई थी।
और खाना बन गया हमारा तो, और जहाँ पे मैं पूड़ी रखने वाली हूँ वहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है 2-3 बार। और अब जो है हस्बैंड जी ने कहा कि न्यू किचन में पहली बार कुछ बनाए हैं हम लोग, तो इसको जो है वो गुसाई बाबा को जो है वो प्रसाद के रूप में पहले दो, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी दिया, उसमें थोड़ा सा खीर मैंने दिया अपने गुसाई बाबा को। हस्बैंड जी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, मैं वैसे ही करती जा रही थी जैसा जैसा उन्होंने बोला, क्योंकि कहते हैं ना सबसे बड़े देवता जो होते हैं वो अपने कुल देवता होते हैं, तो सबसे पहले उनकी पूजा करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। तो ये हमारा टेस्टी वाला डिनर रेडी है, कचौड़ी, टेस्टी वाली खीर एंड टेस्टी वाली लजीजदार मस्त मसालेदार आलू दम। चलिए इस चीज़ का लुत्फ़ उठाते हैं और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।